मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, हां 454 454 454 ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। महिला आरक्षण विधेयक पर 2 दिन तक चली बहस के बाद आखिरकार ये लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 वोट पड़े। इस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बिल को सदन से प्राप्त जनादेश से अपर सदन यानी राज्यसभा में भेजने के लिए स्वीकार कर लिया। इस बिल को सदन में पेश करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके पास होते ही ये ऐसा पहला बिल बन गया है जो नई संसद के लोकसभा में पास पहला बिल है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। बिल को कई मायनों में ऐतिहासिक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके लागू हो जाने पर देश की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक सदस्यों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में बड़ा बदलाव आ जाएगा। नई संसद में कार्यवाही के पहले दिन केंद्र की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। इस बिल के प्रावधानों के तहत सदनीय व्यवस्था में 33% तक सीटें सीधे सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अगर वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के अनुपात में इसे देखा जाए तो इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह से सदन में हर तीसरा सदस्य अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। हालांकि इसमें खास प्रावधान ये किया गया है कि इसके तहत SC/ST समाज से आने वाली महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जाएगा। वर्तमान में SC या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 84 है, जबकि ST या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 47 है। इस हिसाब से SC समुदाय के लिए रिजर्व सीटों में से 28 सीटें, जबकि ST समुदाय के लिए रिजर्व सीटों में से 16 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला आरक्षण बिल 15 साल के लिए होगा। इसके बाद सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा था कि उनकी सरकार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसका विचार सबसे पहले 27 साल पहले आया था। कांग्रेस शासन में भी इस पर सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन तब ये कानून नहीं बन सका था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ये बिल लोकसभा से आखिरकार पास हो ही गया, जिसे लेकर BJP के तमाम नेता बेहद खुश हैं। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर विपक्षी दलों के सांसद लगातार मुखर बने हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।